Dear student, welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss photosynthesis. Plant physiology में काफ़ी एक important topic है. Photosynthesis काफ़ी बड़ा topic है. इसको हम different sections में discuss करेंगे, क्योंकि एक ही video lectures में इसको discuss करना possible नहीं है. तो यहाँ पर इस first photosynthesis part 1 में हम इसके historical background को और chloroplast structure को थोड़ा सा देखेंगे. तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम इसके केमिकल रिएक्शन देखें, तो इस तरीके से इसका एक बैलेंस रिएक्शन होता है. 6U2 प्लस 12H2O, लाइट की प्रेजेंस और पिगमेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होता है, और एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जोड़ी जाती हैं. जहाँ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं वहाँ एनाबॉलिक, जहाँ तोड़ी जा रही हैं वहाँ कैटाबॉलिक. जैसे रेस्पिरेशन में तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, तो वो कैटाबॉलिक है. दूसरा, यहाँ रिडक्शन प्रोसेस है. यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल बनाने में. तो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है यहाँ पे, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए CO2 को रिड्यूस किया जाता है, CO2 को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो इसलिए एक रिडक्शन प्रोसेस है. और यहाँ एनर्जी जो है यूज की जाती है, क्योंकि जो भी रिडक्शन प्रोसेस होती है मोस्टली दे आर एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब है कि उनको एनर्जी देना पड़ेगा, और यहाँ एनर्जी देने का काम क्या कर रहा है, लाइट. मोस्टली केसेस में लाइट होता है, तो इसीलिए जहाँ कहीं भी लाइट एज ए एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है उसको हम फोटोट्रॉफ कहते हैं. और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी सोर्स का काम जो है वो केमिकल रिएक्शन करती है. केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. तो अगर कोई ऐसा केस है तो उसको हम कीमोट्रॉफ कहते हैं, राइट. तो कहने का मतलब है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक रिडक्टिव प्रोसेस है, और यहाँ एनर्जी का यूज हो रहा है, इसीलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है. और ये तीनों ही प्रॉपर्टी रेस्पिरेशन के जस्ट अपोजिट हैं, राइट. तो यहाँ पे आपने देखा कि CO2 चाहिए, 12 वाटर चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने का काम यहाँ वाटर करता है, लाइट की जरूरत होती है, और पिगमेंट्स की जरूरत होती है. तो यहाँ पे थोड़ा सा कई बार हमें एक मन में क्वेश्चन बैठ जाता है कि सारा का सारा फोटोसिंथेसिस, अगर कहीं भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पिगमेंट जरूरी है, ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. तो थोड़ा सा उन पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं. तो फोटोसिंथेसिस टाइप, एक छोटा सा हम टॉपिक का नाम दे देते हैं हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले, कि फोटोसिंथेसिस का टाइप जो है वो कितनी टाइप का है. तो बेस्ड ऑन पिगमेंट, तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस बेस्ड ऑन पिगमेंट अगर हम देखें तो यहां पे बेस्ड ऑन पिगमेंट, राइट. पिगमेंट के बेस पे ये दो तरीके का होता है. पहला जो टाइप है वो है क्लोरोफिल बेस्ड, और दूसरा जो टाइप है वो है नॉन क्लोरोफिल बेस्ड. अब आप बोलोगे सर बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है, होता है, राइट. तो देखिए क्लोरोफिल बेस्ड, अगर हम क्लोरोफिल बेस्ड की बात करें तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म इस केस में आते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, और इसी को हम बहुत ज़्यादा आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. लेकिन नॉन क्लोरोफिल बेस्ड एक बैक्टीरिया होता है, आपने आर्किबैक्टीरिया में तीन ग्रुप्स पढ़े होंगे, वहाँ पे एक टाइप आता है आर्किबैक्टीरिया का, हेलोफाइल्स. तो जो हेलोफाइल्स होते हैं उनमें ये केस पाया जाता है, राइट. हेलोफाइल्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे एक बैक्टीरिया है हेलो बैक्टीरियम हेलोबियम, जैसे अगर हम एक बैक्टीरिया का नाम लिखें तो उस बैक्टीरिया का नाम है हेलो बैक्टीरियम हेलोबियम, हेलो बैक्टीरियम हेलोबियम.
ये जो हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम है यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है राइट, और ये बैक्टीरिया एक आर्की बैक्टीरिया है, ये भी ध्यान रखना राइट। ये जो बैक्टीरिया है एक आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में भी कौन से ग्रुप से आता है, ये हेलोफाइल्स से, हेलोफाइल्स कहते हैं जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर सर्वाइव करते हैं। तो जब इस हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम पे लाइट पड़ती है, ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो इस हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम में एक प्रोटीन पाई जाती है, और उस प्रोटीन का नाम है बैक्टीरियो रोडोप्सिन, बैक्टीरियो रोडोप्सिन। ये जो बैक्टीरियो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये हमारी आँख में पाए जाने वाली रोडोप्सिन प्रोटीन की ही फैमिली से बिलोंग करती है। तो बैक्टीरियल रोडोप्सिन जो प्रोटीन है ये लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट पैदा कर देती है राइट। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डेवलप कर देती है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने के कारण वहाँ पर फिर एटीपी और फर्दर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंथेसिस हो जाता है, जिनको बाद में फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि जितना भी फोटोसिंथेसिस पाया जा रहा है वो सारा का सारा क्लोरोफिल बेस्ड ही हो, नॉन क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन एक केस है आर्किबैक्टीरिया का जिसमें हेलोफाइल्स ग्रुप में पाया जाने वाला हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम, जिसमें लाइट की प्रेजेंस में बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर देती है अक्रॉस द इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण फाइनली जो है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनका निर्माण होता है, और इस तरीके से वहाँ पर बिना फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा सा कंपटीशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस जो है बेस्ड ऑन एनर्जी सोर्स, कि एनर्जी सोर्स के बेस पे फोटोसिंथेसिस को दो ग्रुप में बांटते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई मोस्टली जो है एनर्जी लाइट एनर्जी है राइट, क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और किसी भी चीज को जोड़ने के लिए आपको एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो यहाँ पे मोस्ट केसेस में तो ये मोस्ट कॉमन है कि लाइट एनर्जी जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होती है, लेकिन कई केस, कई बैक्टीरिया में और कई ऑर्गेनिज्म में केमिकल एनर्जी भी यूज होती है। केमिकल एनर्जी का मतलब है कि वहाँ पे पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, वहाँ किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन करने से वहाँ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जो रिलीज हो रही है वही फर्दर आगे फोटोसिंथेसिस में यूज होगी। अगर लाइट एनर्जी यूज होती है तो वहाँ पे इस तरीके के ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है, बट फोटो ऑटोट्रॉफ राइट, क्योंकि वो खाना बना रहा है, फोटो ट्रॉफ मतलब ऑटो वर्ड हम यहाँ ना लगाएं क्योंकि उसे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को कहते हैं फोटोट्रॉफ, कि जो लाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, और अगर कोई केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में तो उसको कहते हैं हम कीमोट्रॉफ, कि मतलब ये केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये अक्सर हमारे सामने कई बार आ जाती हैं और हम थोड़ा सा इनको लेके कंफ्यूज भी होते हैं। तीसरा एक और क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस का, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो जरूरी नहीं है कि हर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकले, कुछ फोटोसिंथेसिस ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो अगर ऑक्सीजन निकलती है तो उसको कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस।
और एवोल्यूशन में ये पहले नहीं आया, पहले नॉन ऑक्सीजनिक, राइट। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ओ टू इवॉल्व, यहाँ पे ओ टू इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे टाइप का जो फोटोसिंथेसिस है उसको कहते हैं हम नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। तो जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है इसमें किसी भी तरीके की ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, राइट। तो यहाँ पे नो ओ टू इवॉल्व, नो ओ टू रिलीज, मतलब यहाँ किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का रिलीज नहीं देखने को मिलेगा। जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है ये मोस्ट कॉमन होता है और इसी को हम आगे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है ये भी कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यूजुअली इनको सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो इस तरीके के जो टर्म्स आते हैं, जैसे पर्पल, आगे इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है। जैसे पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये इसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। अब इनमें जो है दूसरा है ग्रीन फोटो, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, राइट। तो ये दोनों जो सल्फर टाइप बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, सल्फर बैक्टीरिया के टाइप आते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इस टाइप के, इनमें एक्चुअली वाटर यूज नहीं होता, यहाँ वाटर की जगह सल्फर के अदर कंपोनेंट यूज होते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह की ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। इवोल्यूशन में नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो पहले आए और बाद में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन हुआ, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का इवोल्यूशन होना, इवॉल्व होना इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस शुरू तो हो चुका था, लेकिन पहले जो फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ था वो नॉन ऑक्सीजेनिक था, मतलब वहाँ पर किसी भी तरीके की ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन तो इवॉल्व हो नहीं रही है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है जब लाइफ की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट था, वो रिड्यूस्ड था। कैसा था? रिड्यूस्ड मतलब कोई ऑक्सीजन थी नहीं वहाँ पे, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट था, हमारे एनवायरनमेंट का नेचर कैसा था? रिड्यूस्ड। लेकिन जैसे ही सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, और जब भी हम बात करते हैं फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म की, तो हमारे सामने नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो है BGA, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो जैसे ही ऑक्सीजन का निर्माण किया तो वहाँ से सबसे पहले निकल के आया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जैसे ही शुरू हुआ, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आने लगी, और एनवायरनमेंट में जब ऑक्सीजन आई तो जो इवोल्यूशन का माहौल पहले, एनवायरनमेंट का नेचर पहले कैसा था? रिड्यूस्ड। अब वो कैसा हो गया? ऑक्सीजनिक, राइट, ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट हो गया। तो इसीलिए इवोल्यूशन में फोटोसिंथेटिक का जो नेचर है, ऑक्सीजन के टाइप है, ऑक्सीजन के नॉन ऑक्सीजन के, इनका जो कन्वर्जन है ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, इन्होंने जो है नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस को किस में कन्वर्ट किया है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट किया है। तो ये इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। इसीलिए जब भी कभी बात उठती है कि फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन थे, तो वो सल्फर बैक्टीरिया थे, नो डाउट वो बैक्टीरिया थे, मतलब वहां पे आंसर आएगा बैक्टीरिया। लेकिन अगर वो पूछता है एग्जाम में कि फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन थे,
तो नो डाउट फिर आपको वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इसका आपको वहां पे ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को ऑप्ट करें वहां ये देख लें कि वो पूछ क्या रहा है। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है तो बैक्टीरिया होगा, लेकिन अगर फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है तो नो डाउट वहां पे जो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी आपको ऑप्शंस में देना है। अब ये थोड़ा सा जनरल हमारी बातें हो गई फोटोसिंथेसिस को लेके, अब थोड़ा सा इसके इतिहास पे नजर डालते हैं, हिस्ट्री को थोड़ा सा हम देखते हैं। जब भी हम फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री देखते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको भी ये थोड़ा सा ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो यहाँ आता है, और हम जब से ये फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तब से ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आ रहा है, जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम बेलजार एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, राइट। बेलजार बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में हम तो सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखना है। बेलजार एक्सपेरिमेंट में प्रिस्टले ने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा काम किया, एक बेलजार लिया, उस बेलजार में जो है एक चूहा रखा, राइट। जैसे कोई बेलजार है, इसके तीन कंडीशंस उन्होंने रखी। यहाँ पे कैंडल है जो जल रही है, उसके बाद यहाँ पे रैट है, चूहा। एक दूसरा बेलजार लिया, इसके तीन सिचुएशंस को इन्होंने स्टडी किया था, उसमें भी कैंडल लिया, लेकिन यहाँ एक प्लांट भी रख दिया और एक चूहा भी रख दिया। तो इन्होंने देखा जलते हुए कैंडल में सिर्फ जब चूहा रखा था तो वो मर गया, चूहे की डेथ हो गई, लेकिन जब प्लांट, जलती हुई कैंडल और रैट, इन तीनों को एक साथ रखा तो वो यहाँ पे चूहे की डेथ नहीं हुई। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो प्लांट हैं, यहाँ पे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, बड़ा सिंपल सा है, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भाई जो प्लांट हैं वो इम्प्योर एयर को प्योर करते हैं, इम्प्योर टू प्योर, एयर को इम्प्योर से प्योर करते हैं, और जो एनिमल हैं वो प्योर को क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जोसेफ प्रिस्टले का, बेलजार एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें इन्होंने जो प्लांट लिया वो पुदीना का प्लांट था, कई बार पूछ लेते हैं, राइट। पुदीना प्लांट इन्होंने लिया था। इसके बाद जो है एक हमारे और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था जेवी सैक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि भाई क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन स्टार्च, इन्होंने बोला कि भाई क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस और स्टार्च इनमें कोई रिलेशन है। अब वो क्या रिलेशन है वो ज़्यादा नहीं बता पाए ये, तो इन्होंने बताया क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस एंड स्टार्च,
इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप जरूर है, तो इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को इन्होंने डिस्कस किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ये बता नहीं पाए कि वो एग्जैक्टली वो रिलेशनशिप है क्या। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, जैन इंजन हाउस, जो इंपॉर्टेंट चार पांच वैज्ञानिक हैं उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक हैं जैन इंजन हाउस, इंजन हाउस, इन्होंने क्या किया, जैन इंजन हाउस ने लाइट एंड ग्रीन कलर, मतलब ही उन्होंने लाइट और ग्रीन कलर का जो एक इम्पोर्टेंस है वो बताया। और इन्होंने ये बताया कि देखिए, इन्होंने दो आउटकम्स दिए थे कि वही फोटोसिंथेसिस में एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। एंड लीव्स हमें ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर। दूसरा इन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है, जो O2 रिलीज हो रही है, O2 जो रिलीज हो रही है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, O2 रिलीज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। दूसरा, अब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो हो रही है, बट विच पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रीन पार्ट, मतलब प्लांट का जो हिस्सा ग्रीन है उस हिस्से के द्वारा वो रिलीज हो रही है, और लाइट का इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में, ये कंक्लूजन दिया जैन इंजन हाउस ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है, इंजन हाउस, सॉरी एंगलमैन, राइट। एंगलमैन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ जाता है, तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से ये याद रखना है, डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। अब हम ये देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे दो शब्द बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलेंगे, इनका मतलब क्या है। जब भी कभी आपके सामने ये शब्द आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसका मतलब होता है कि वो स्पेक्ट्रम जो ये बताता है कि कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के द्वारा, तो ये लाइट एब्जॉर्प्शन को बताता है, राइट। ये आगे हम पढ़ेंगे भी, ये लाइट एब्जॉर्प्शन को बताएगा। और कभी भी अगर ये शब्द आ रहा है तो सीधा सा मतलब है कि वो लाइट एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, कि कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन अगर कहीं भी शब्द आ रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम, तो उसके शब्द से ही ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि यहाँ पे उसका जो इंडिकेशन है वो इस तरफ नहीं है कि कौन सी लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब यहाँ लाइट एब्जॉर्प्शन क्वांटिटी ये कहें तो ज़्यादा सही होगा, कि ये लाइट एब्जॉर्प्शन की क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्राइब करता है कि लाइट रोल इन फोटोसिंथेसिस, कि मतलब कौन सा लाइट कलर का लाइट है जो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर रहा है और कौन सा टाइप का लाइट है जो फोटोसिंथेसिस कम कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव नहीं है रोल, यहाँ पे क्या है क्वालिटेटिव है,
क्वालिटी की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मतलब जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो एक तरीके का क्वालिटेटिव रोल को डिस्क्राइब करता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एक तरीके से क्वांटिटेटिव हमको एक वैल्यू देता है कि ये पर्टिकुलर कलर की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, ये लाइट कम एब्जॉर्ब हो रही है। ये दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ये शब्द हमारे सामने आएंगे। तो एंगलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बड़ा ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एंगलमैन ने क्या किया कि एक पैट्री प्लेट ली, जैसे पहले तो एक विजिबल लाइट का सोर्स है। इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके से, विजिबल लाइट, जब भी हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, यहाँ पर ऑल 7 कलर्स होते हैं इसमें। इस विजिबल लाइट को इन्होंने क्या किया, प्रिज्म पे डाला, और प्रिज्म क्या करता है, विजिबल लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये यहाँ से जो ओरिजिन होगा लाइट का प्रिज्म से निकलने के बाद, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो देखिए, जब भी मैं विजिबल लाइट की बात करता हूँ तो विजिबल लाइट पॉलीक्रोमेटिक होती है। पहली चीज़ तो ये दो शब्द याद रखना, पॉलीक्रोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे विबग्योर, जो आप विबग्योर पढ़ते हो, वो सारे कलर्स इसमें ऐड होते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से 700 के आसपास, इसकी 700 नैनोमीटर की रेंज होती है। तो पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट है उसमें एक से ज़्यादा कलर होते हैं। विबग्योर जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम जो हम लिखते हैं अक्सर VIBGYOR, तो ये जो विबग्योर है ये 7 कलर्स यहाँ पे विजिबल लाइट में पाए जाते हैं। जो हमें आंखों से विजिबल लाइट दिखती है ना, वो एक्चुअली सिंगल कलर नहीं है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, और उनकी रेंज क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर। लेकिन जब भी हम इसको प्रिज्म से निकालते हैं, गुजारेंगे, तो प्रिज्म क्या करता है, इन 7 कलर्स को अलग अलग कर देता है, और अब हर वेवलेंथ का कलर जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो इससे प्रिज्म से निकलने के बाद जो आपको लाइट मिलेगी वो मोनोक्रोमेटिक होगी, राइट। अब यहाँ पे आपको 7 कलर अलग अलग मिलेंगे, VIBGYOR, ठीक है। ये यहाँ से 400 नैनोमीटर शुरू होते हैं रेंज, नीचे की तरफ ये रेंज बढ़ती जाती है, वेवलेंथ नीचे की तरफ है 700 नैनोमीटर। इन्होंने क्या किया, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आई प्रिज्म से बाहर, इसको एक पैट्री डिश ली। इस पैट्री डिश में इन्होंने एक एल्गी का कल्चर किया, ठीक है। और यहाँ पे जो एल्गी इन्होंने यूज किया था इस पैट्री डिश में, उसका नाम था स्पायरोगायरा। क्या नाम था, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा जो एल्गी है इसको इन्होंने ग्रो कराया, और इस तरीके से 7 सेक्शंस इसमें डिवाइड कर दिए, पैट्री डिश में 7 सेक्शन डिवाइड कर दिए, और हर सेक्शन में एक ही टाइप की लाइट डाली गई, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 7 सेक्शंस पैट्री डिश में हो गए। ये है आपकी पैट्री डिश। ये जो पैट्री डिश ली इन्होंने, इसमें स्पायरोगायरा एल्गी को कल्चर कराया, और इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्रॉस कराएंगे। जैसे इसको मैं अगर नंबर 1 दे दूं, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर 1 सब कॉलम में इन्होंने वायलेट कलर की लाइट डाली, 2 में इंडिगो, 3 में ब्लू, इस तरीके से इन्होंने रखा। एक काम और किया इन्होंने, वो काम क्या था कि इन्होंने क्या किया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिए, और उन एरोबिक बैक्टीरिया को
इस स्पायरोगारा एल्गी के ऊपर यूनिफॉर्म तरीके से ग्रो डिस्ट्रीब्यूट किए। ये एरोबिक बैक्टीरिया है और एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन जो है वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये सर्वाइव करेंगे। तो जो ब्लैक कलर से मैंने ये यहाँ पर दिखाए हैं, ये हैं एरोबिक बैक्टीरिया। और ये एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे हैं, फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट है, इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया। अब इन्होंने क्या किया, इसको पूरा पॉलिथीन से बिल्कुल कवर कर दिया ताकि बाहर से ऑक्सीजन ना जाए। जब इन्होंने इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला तो इन्होंने देखा, क्योंकि बाहर से तो इन्होंने पॉलिथीन से कवर कर दिया, बाहर से तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन इन्होंने देखी, एक तो ब्लू में देखी, ब्लू जो डिवीजन था इसमें देखी, और दूसरा इन्होंने देखा रेड जो हमारा सेक्शन था इसमें। ब्लू में और रेड में इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन देखी आफ्टर सम टाइम, और यहाँ बैक्टीरिया कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है इस जीन रीजन में। ग्रीन रीजन में सबसे कम बैक्टीरिया दिखे, सबसे मिनिमम उनको ग्रीन में दिखे। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हो ना हो ब्लू एंड रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है और ग्रीन में कम हो रहा है, इसीलिए ये बैक्टीरिया ग्रीन में कम गया है। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है वहाँ ऑक्सीजन भी ज़्यादा है, वहाँ ये बैक्टीरिया ज़्यादा पहुँचा है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में सारी की सारी जो 7 कलर्स होते हैं वो इक्वली इफेक्टिव नहीं है, उसमें ब्लू एंड रेड, इसमें ब्लू एंड रेड ये जो रीजन है ये मोस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा पाई गई। उसके बाद जो ग्रीन है, ग्रीन लाइट है वो लीस्ट इफेक्टिव है, ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फोटोसिंथेसिस में। लीस्ट इफेक्टिव जो कलर जोन है वो कौन सा है, ग्रीन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, ये सबसे पहले इन्होंने बताया था एंगलमैन ने, और इसी को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, राइट। तो जैसे एक्शन स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि यहाँ पे कभी भी अगर ये बात उठ रही है कि वो कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि 400 से 700 का जो रीजन है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रीजन है, और इसमें भी ब्लू एंड रेड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ग्रीन सबसे कम इफेक्टिव है। तो यहाँ से इन्होंने एक वो और दिया था कंक्लूजन कि विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किस लाइट का होता है, तो अगर उसका सीक्वेंस कभी पूछा जाए तो ब्लू इसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रेड का होता है, और सबसे कम होता है ग्रीन का, ग्रीन सबसे कम होती है। तो ये है मिनिमम, ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि जो ग्रीन लाइट है ये सबसे कम एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें या फोटोसिंथेसिस की बात करें, या फोटोसिंथेसिस की मतलब कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होगा वो रेड में होता है, उसके बाद ब्लू में, और ग्रीन में सबसे कम होता है, ये हमेशा याद रखना। देखिए सबसे कम एब्जॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन में ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा ब्लू का होता है, उसके बाद रेड का, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रा या फोटोसिंथेसिस जो रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, रेड में होती है, ब्लू में दूसरे नंबर पर होती है। तो ये दो कंक्लूजन एंगलमैन ने और दिए थे, इसको आपको ध्यान रखना है, और ये कंपटीशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे जो 400 से 700 की जो रेंज है विजिबल लाइट की, इसके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है, 400 से 700 की जो रेंज है इसके लिए यूज होता है PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन या रेडिएशन। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन,
मतलब ये वो रेडिएशन का रेंज है जहां फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। तो एंगलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है हमारे लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब एक नया विवाद यहां से शुरू होता है। उस विवाद की शुरुआत होती है उस केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या कहती है फोटोसिंथेसिस की, कि भाई CO2 और वाटर ये दोनों मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, लाइट और पिगमेंट की प्रेजेंस में, लाइट एंड पिगमेंट की प्रेजेंस में ये बनाते हैं C6H12O6+O2। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर में हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ग्लूकोज के पास जो हाइड्रोजन गया वो वाटर का है, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में है, इसका मतलब ग्लूकोज में जो कार्बन गया वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो CO2 में भी है और वाटर में भी है, तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ये कहाँ से आई। कुछ वैज्ञानिकों का उस टाइम मत था कि ये CO2 से आई, कुछ वैज्ञानिक मानते थे कि नहीं भाई ये जो O2 ऑक्सीजन आ रही है ये CO2 से नहीं आ रही है, ये वाटर से आ रही है। तो यहां से एक नई चीज को जन्म दे दिया। तो यहां पे वैज्ञानिकों ने इस तरफ जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो एक बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है और उन वैज्ञानिक का नाम है वॉन नील, उसको हम पढ़ेंगे। इन्होंने ऑक्सीजन के रिगार्ड्स में ही ये बात कही थी। तो वॉन नील, इनका इंपॉर्टेंस रोल रहा है। वॉन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें इन्होंने क्या बताया, बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था। पहली बात तो ये कि इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो सल्फर बैक्टीरिया था, राइट। तो इन्होंने एक सल्फर बैक्टीरिया लिया और उस सल्फर बैक्टीरिया का नाम था क्रोमेशियम वाइनोसम। अब जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो H2O का यूज तो करते नहीं, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सल्फर बैक्टीरिया लिया और उसका नाम था क्रोमेशियम वाइनोसम। पहली चीज तो ये, जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 का यूज करते हैं और H2S इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में H2S का यूज करते हैं, लाइट भी यहाँ पे लेंगे वो, पिगमेंट्स भी यूज करते हैं, उनका पिगमेंट थोड़ा सा नॉर्मल पिगमेंट से अलग होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकलती और ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे निकलती है सल्फर, ठीक है। तो वॉन नील ने ये कहा कि भाई जो सल्फर बैक्टीरिया है क्रोमेशियम वाइनोसम, जहाँ पे वाटर यूज नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं जो हायर प्लांट्स में हो रही हैं। हायर प्लांट में CO2 यूज होता है, लाइट पिगमेंट ग्लूकोज बनती है, सब चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन डिफरेंस किसका है, सिर्फ H2S का है और नॉर्मल प्लांट्स में वाटर यूज होता है, सल्फर बैक्टीरिया में यहाँ पे H2S यूज हो रही है, लेकिन यहाँ हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर ये ऑक्सीजन CO2 से आ रही होती तो यहाँ पे हमें सल्फर के बजाय यहाँ क्या मिलता, ऑक्सीजन मिलता, लेकिन यहाँ चूंकि हमने वाटर यूज नहीं किया है H2S यूज किया है और H2S के यूज होने के कारण यहाँ पे हमें जो है सल्फर यूज हो रही है, सल्फर मिल रही है। इसका मतलब कि अगर यहाँ वाटर यूज होता तो हमें यहाँ ऑक्सीजन मिलती, वाटर यूज नहीं हो रहा तो सल्फर मिल रही है। इसका मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आ रही है वो CO2 से नहीं आ रही है। इन्होंने कौन सी थ्योरी का समर्थन किया, इन्होंने दूसरी वाली थ्योरी का समर्थन किया जिसमें ये कहा गया था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आ रही है वो वाटर से आती है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक मान तो रहे थे लेकिन पूरी तरीके से ये कोई प्रत्यक्ष डायरेक्ट प्रूफ नहीं था इस चीज का जो ये सिद्ध कर सके कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकल रही है, राइट। तो बाद में फिर एक वैज्ञानिक आए और इनको बोलते रूमेन इन कॉमन, आपने काफी पढ़ा भी होगा इनके बारे में, राइट, रूमेन इन कॉमन। इन्होंने क्या किया,
उन सारे सवालों के जवाब दे दिए जो अब तक उठ रहे थे। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने पहली बात तो ये है कि रूबेन और कॉमन ने जिस ऑक्सीजन आइसोटोप का यूज किया, राइट, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है O2-18, ये ऑक्सीजन आइसोटोप है। अब ऑक्सीजन आइसोटोप कितने टाइप के हैं, ये क्या होते हैं, उसमें मैं सब नहीं जाऊंगा, ये केमिस्ट्री में यूजुअली हम पढ़ते हैं। जो आइसोटोप होते हैं इनका मास नंबर डिफरेंट होता है और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है। तो रूबेन एंड कॉमन ने क्या किया, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है O2-18, इसका यूज किया। इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने देखा पहले CO2 के अंदर जो ऑक्सीजन है इसको आइसोटोपिक ऑक्सीजन के रूप में यूज किया, मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है CO2 में इसको आइसोटोपिक ऑक्सीजन कर दिया और वाटर में नॉर्मल ऑक्सीजन यूज की। तो इन्होंने जब ऐसा किया और फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि नॉर्मल ऑक्सीजन पैदा हो रही है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि CO2 में जो ऑक्सीजन है वो तो नॉर्मल ले ली, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक ले ली, वो रेडियो एक्टिव ले ली। फिर इन्होंने देखा कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये किस में देखी जा रही है। तब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेडियो एक्टिविटी है इस केस में, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के केस में, ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है इसमें पाई गई। ये एक्सपेरिमेंट वन था, इसमें रेडियो एक्टिविटी जो है ग्लूकोज में पाई गई, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो ग्लूकोज में जा रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट टू के अंदर जब इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को किस में यूज किया, वाटर में यूज किया, तब इन्होंने इस रेडियो एक्टिविटी को ऑक्सीजन फ्री होती हुई ऑक्सीजन में पाया और उससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि भाई ये जो है यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रही है ये वाटर से निकल रही है। तो इससे ये जो हिस्टोरिकल पार्ट है ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, और फोटोसिंथेसिस में इतना ही हिस्टोरिकल पार्ट आपको पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें जब भी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे।